शिवराज से सिंधिया हुए नाराज, क्या सिंधिया होंगे भाजपा से अलग? भाजपाइयों में मची खलबली। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के बीच भाजपा का एक खेमा नाराज दिख रहा है। दरअसल सिंधिया समर्थक विधायक जो 28 साल पहले उपचुनाव में हार गए थे, उनका टिकट काटने के फॉर्मूले से ये खेमा खुश नहीं है। सूत्रों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ सरकार का तख्ता पलटकर शिवराज सरकार की वापसी में अहम भूमिका निभाने वाले अपने उन सभी समर्थक विधायकों के लिए 2023 के चुनाव में टिकट चाहते हैं जो मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर उनके साथ भाजपा में आए थे। दरअसल प्रदेश में सत्ता पक्ष की वीथिकाएं उस समय एकदम से गर्मा गई जब पिछले दिनों राजधानी में चुनावी तैयारियों का खाका खींचने के लिए आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सिंधिया की अनुपस्थिति देखी। इससे सिंधिया की कथित नाराजगी की अटकलों को और बल मिला है। आपको बता दें कि वही इस दौरान सिंधिया खेमा उस समय ज्यादा चौकन्ना हो गया जब ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया से दूरी रखने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के शिवराज सिंह के साथ एक ही कार में बैठक में पहुंचे। ऐसे में ये खेमा कांग्रेस सरकार के तख्तापलट के दौर में भाजपा में शामिल होने वाले सभी विधायकों के चुनावी हितों की रक्षा के लिए लामबंद हो गया। ज्ञात हो कि उपचुनाव में मुन्ना लाल गोयल, इमरती देवी, गिरिराज दंदौटिया, रघुराज सिंह कंसाना, रणवीर जाटो जैसे सिंधिया समर्थक विधायक चुनाव में पराजित हो गए थे। इस कारण कांग्रेस छोड़ने के बाद इनकी विधायकी भी चली गई थी। फिलहाल आपको बताते चले कि भाजपा में दो खेमा अलग अलग बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।